गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंह। स्टडी अकाउंट विद शुभम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर लिखा देख पा रहे हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर्स ख़त्म कर लिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, उसके बाद चेंज इन PSR अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बारी है। अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपकी जो बुक है पार्टनरशिप की, उसमें यही है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। अगर इस चैप्टर को समझ गए तो आने वाले आगे के 2-3 चैप्टर जैसे हलवा पूड़ी खा लेते हो ना, मुंह में डाला गप से अंदर, बिल्कुल वो, ठीक है ना, बिल्कुल वो हाल है आने वाले 2 चैप्टर का, अगर ये समझ में आ गया। समझ में आ रही है बात कुछ? हाँ सर जी, बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जरा इसके बारे में अब आप कुछ बताइए ना। पुरानी बातें हम करें कि ना करें? सर पुरानी चीज़ें छोड़ दीजिए, हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक। ये अब इस पे आइए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे आइए आप। तो जरा भैया देखना, अगर जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने पहले का चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, ठीक, उसके मन में ये ख्याल उठ रहा होगा कि सर ये मेरे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। भैया देखो, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल अच्छे से आएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कोरिलेट करेंगी यहाँ पे, मगर आप लोग बिल्कुल भी परेशान, टेंशन मत लेना, वो चीज़ें हम फिर से बताएंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सर जी जरा शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर हम लोग। अब इस चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि किसी एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करना। सर जरा विस्तार से थोड़ा बताइए ना हमको, विस्तार से थोड़ा बताइएगा। बताते हैं भैया, देखना जरा ध्यान से। 2 पार्टनर थे, ए और बी, भली भांति इनका बिजनेस चलता था। अब इन्होंने डिसाइड किया ना कि हम एक और बंदे को अपने बिजनेस में एडमिट कर लेंगे, यानी कि एक और बंदा जो है ना, मिस्टर सी मान लेते हैं यहाँ। इन दोनों ने मिल करके डिसाइड किया कि आज से जो है हम लोग मिस्टर सी को पार्टनर बना लेंगे अपने बिजनेस में। सर क्या ऐसे ही मतलब पार्टनर बना लेते हैं क्या? नहीं भैया, ज़रूर इनके पास या तो माल होगा या तो कोई ऐसी नॉलेज होगी जो इन दोनों को भविष्य में फ़ायदा पहुंचाएगी। इसी कारणवश ये दोनों जो है अपने बने बनाए चले चलाए बिजनेस पे इसको एडमिट कर रहे हैं। फ्री में कोई नहीं एडमिट कर लेगा, ध्यान देना, जरूर कोई फायदा होगा तभी इनको लिया जा रहा है, वरना इनके लात मार के पीछे भगा दिया जाता। कोई रनिंग बिजनेस में जो है, कोई भी हो बंदा, आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, रनिंग बिजनेस में आपको कभी एज अ पार्टनर नहीं एडमिट करेगा। यदि उसका कोई फायदा है तब तो वो ले लेगा आपको, कोई फायदा नहीं है तो नहीं लेगा, ठीक। तो सर यहां तो समझ में आ गया कि ए और बी यदि किसी और बंदे को अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर लेते हैं तो वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहलाता है। सर क्या एक ही लोग को ले सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि ए और बी किसी 2 बंदे को अपने बिजनेस में ऐसा पार्टनर ले ले? अरे 50 लोग को लो, 60 लोग को लो, जितने को लेना है ले लो, तुम्हारा बिजनेस है, हम कौन होते हैं बोलने वाले, एडमिट करो भाई। बस ये है कि हाँ प्रॉफिट देना उनको, उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। हाँ सर जी समझ में आ गया, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने ही एडमिट कर सकते हो, ना ना ना, नियम कानून कायदा है वो सब हम लोग बाद में सीखेंगे, कंपनीज एक्ट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हियाँ नौटंकी फैलाने अभी हम रायता नहीं छीछा लेदर करने बैठे हैं, ठीक। इसीलिए बस अभी इतना मोटा मोटी ध्यान में रखो कि सर ऐसा नहीं है कि एक ही लोग को एडमिट करें, 2-3-4-5 हो सकते हैं, ठीक है ना, मगर 2-3-4-5 का केस आपको आएगा नहीं, परेशान मत होना, एक ही लोग को एडमिट करने वाला केस आप लोग को आएगा, इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए परेशान मत होना आप लोग। तो एडमिशन का मतलब तो समझ में आ गया, ए और बी थे, इन्होंने किसी और बंदे को अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया, एज अ पार्टनर जोड़ लिया, एज अ पार्टनर ले लिया, ठीक है ना, तो वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहलाता है। अच्छा एक चीज़ आप लोग विस्तार से बताओ हम लोग को, हमें बताओ,
ए और बी पहले बिजनेस चलाते थे, ठीक है, उनका पीएसआर था मान लेते हैं 2:1, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, तो 2:1 इनका पीएसआर था। अब मिस्टर सी आ रहे हैं तो वो भी तो कुछ पीएसआर इनका भी तो बनेगा ना सर। पीएसआर वीएसआर तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। पीएसआर मान लो ये होता है, हिस्सेदारी होती है ये, कि मान लो कि जैसे कि जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का दो हिस्सा ये लेंगे, एक हिस्सा ये लेंगे। तो जब मिस्टर सी एडमिट हो रहे हैं बिजनेस में तो इनकी भी तो कुछ हिस्सेदारी बनेगी ना, ये भी तो कुछ हिस्सा लेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही है, लेंगे। तो अच्छा आप लोग बता सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि जब मिस्टर सी जो है, जब मिस्टर सी बिजनेस में एडमिट होंगे तो गेन कौन करेगा, सेक्रीफाइस कौन करेगा? आखिर किसी को तो फायदा होगा, किसी को तो नुकसान होगा। हाँ सर जी एक चीज तो हमें पता है कि मिस्टर सी को लाभ होगा, मिस्टर सी को फायदा होगा, और नुकसान किसको होगा, ए और बी को। समझना बात को, ए और बी को नुकसान होगा। देखो बेटा ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ए बी दोनों को नुकसान हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि सी के आने के वजह से किसी एक पार्टनर को गेन हो जाए, ऐसा भी होता है बहुत सारे केसेस में। तो ये कहना एकदम ही गलत है कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो एडमिट हो रहा है उसको तो गेन होगा ही होगा, नो डाउट, मगर इसके एडमिट होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इन दोनों को जो है सेक्रीफाइस करना पड़े, इन दोनों को लॉस हो जाए। सर जरा प्रूफ करके बताइए ना, देखना बेटा आप मान लेते हैं ए और बी का पुराना पीएसआर था 2:1 और मिस्टर सी के आ जाने की वजह से इनका पीएसआर बन गया 1:1:1, ठीक है ना, समझना बात को। अब जरा देखना आप लोग, अब पहले प्रॉफिट होता था 30,000 रुपए, समझना बात को, पहले प्रॉफिट होता था 30,000 रुपए, वो 30,000 ए और बी में कैसे बढ़ता था, 2:1 के रेशियो में बढ़ता था सर, यानी कि 20,000 रुपए मिस्टर ए लेते थे और 10,000 रुपए मिस्टर बी लेते थे। समझना बात को, मेरे बात को समझना, ठीक है, 20,000 ये लेते थे, 10,000 ये लेते थे एडमिशन से पहले, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। एडमिशन के बाद क्या हो गया सर, पीएसआर हो गया 1:1:1, मतलब कि प्रॉफिट अब ऐसे बटने लगा, बराबर बटने लगा ना, 30,000 का प्रॉफिट, 10,000 10,000 10,000, समझना बात को, कैसे बट रहा है, 10,000 10,000 10,000। तो देखो एक केस आपके सामने आ गया होगा, मिस्टर ए को कितना मिल रहा था पहले सर, 20,000, अब कितना मिल रहा है सर, 10,000। मिस्टर ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोग को मिस्टर ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मिस्टर सी के एडमिट हो जाने की वजह से बिजनेस में मिस्टर ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जरा मिस्टर बी को देखना, पहले कितना मिल रहा था सर, 10,000, अभी कितना मिल रहा है सर, 10,000 मिल रहा है, मतलब कि मिस्टर सी के आ जाने से मिस्टर बी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जादू है बेटा ये, देखना जादू हो रहा है बिल्कुल तुम्हारे सामने, देख रहे हो ना, जादू है। एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा है मगर दूसरा सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। मिस्टर सी क्या कर रहे हैं सर, मिस्टर सी तो गेन कर रहे हैं। तो जरा देखना, ये पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना इनको, इसको नाम देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है, इन दिस केस मिस्टर सी, उसको कहते हैं गेनिंग पार्टनर, और इनको क्या कहेंगे, मिस्टर बी को, इनको कहते हैं कुछ नहीं, इनको कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक। यानी कि हमारे पूरे पार्टनरशिप में दो तीन चीजें हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक चीज तो हो गई हमारा न्यू पीएसआर, कई बार आपको फंसाएगा, कई बार आपसे पूछेगा कि मिस्टर सी को एडमिट किया है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन देगी, कहेगा न्यू पीएसआर कैलकुलेट करिए। तो आपको पहली महत्वपूर्ण चीज कैलकुलेट करनी है न्यू पीएसआर, ठीक है, दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तीसरी चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे, उसके बाद सारे अकाउंट्स वगैरह हम लोग सीखेंगे। मगर सारे अकाउंट्स वगैरह सीखने से पहले हमें तीन महत्वपूर्ण चीज सीखना पड़ेगा, एक तो
नया PSR कैलकुलेट करना, यहाँ पे हमने दे दिया तो आपने निकाल लिया तुरंत, आपको पता है कि सर हाँ न्यू PSR है। अगर मान लो कि हम ना देते, ये हम न्यू PSR नहीं देते, कहते कि मिस्टर सी एडमिट हो रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तब लफड़ा हो जाता, उस केस में कैलकुलेट करना पड़ता। तो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू PSR, दूसरी चीज कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे सेक्रीफाइसिंग, तीसरी चीज गेनिंग रेशियो। ये सारी चीजें जब हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें हमें लगता है समझ में आ गई होंगी। एक चीज तो ये समझ में आ गई होगी कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो पार्टनर आ रहा है वो पार्टनर तो गेन करता है, मगर उसके आने की वजह से हो सकता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे, हो सकता है कि कोई पार्टनर गेन करे आए, गेन भी कर सकता है कोई। सर जरा प्रूफ करके दिखाइए ना, देखो हम आपसे कहते हैं कि इनका पुराना PSR था, इसको हम मिटा देते हैं पहले, जरा देखना आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों ने अभी इससे पहले ये तो देख लिया कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी एडमिशन के वजह से हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए, सेक्रीफाइस तो ये कर रहा था, आप लोगों ने वो चीज़ तो देख ली। हो सकता है किसी पार्टनर के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ये चीज़ भी आप लोग देख ली। अब हम आप लोग को दिखाते हैं कि किसी पार्टनर के एडमिट हो जाने की वजह से कोई पुराना पार्टनर गेन भी कर लेता है, ठीक है। इसको जरा आप लोग देखिएगा, मान के चलते हैं हम लोग कि मिस्टर ए मिस्टर बी दो पार्टनर थे, इनका PSR था कितना 1:1, ठीक है। इन्होंने मिस्टर सी को एडमिट किया, मिस्टर सी को एडमिट किया और बोला कि अब से हमारा नया PSR हो जाएगा कितना 3:1:1, इनका अब से नया PSR 3:1:1 हो जाएगा, ठीक। हम मान के चलते हैं कि इससे पहले प्रॉफिट होता था फॉर्म में 40,000 रुपये। एक बात बताओ, जब ये 40,000 का प्रॉफिट था और ये पहले बढ़ता दोनों में तो कैसे बढ़ता। सर पहले अगर बांटते इसको हम ना, तो कुछ इस प्रकार से बांटते 1:1 के रेशियो में, बोले तो 20,000 मिस्टर ए को 20,000 मिस्टर बी को। सर अब बटेगा ना तो 3:1:1 के रेशियो में बटेगा, यानी 40,000 को 3:1:1 के रेशियो में बांटो। तो जरा देखना, हम आपके सामने बांट के दिखाते हैं, 40,000 / 5, 3:1:1 है ना, तो 3 × 5 / 5 इंटू 3, 3 हिस्सा ये लिया, 24,000 इनको देंगे हम मिस्टर ए को 1:1, यानी बचा कितना 16,000, 8,000 इन दोनों को मिलेगा। अब देखना इसमें आप लोग, मिस्टर सी के एडमिट होने की वजह से, गौर करना, मिस्टर सी के बिजनेस में एडमिट होने की वजह से, मिस्टर सी के बिजनेस में एडमिट होने की वजह से, गौर करिएगा आप लोग, ठीक है, मिस्टर सी के बिजनेस में एडमिट होने की वजह से मिस्टर ए को पहले मिलता था 20,000, अब मिल रहा है 24,000। इसका मतलब कि मिस्टर ए गेन कर गए। देखो यहाँ मिस्टर सी तो गेन किए ही किए, मिस्टर सी जो एडमिशन जिनका हो रहा है वो तो गेन करेंगे ही करेंगे, मगर इनके साथ साथ एक और पार्टनर गेन कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, मिस्टर बी। पहले इनको मिलता था 20, अब मिल रहा है 8,000। यानी कि आपके सामने है कि एडमिशन के केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वही गेन करेगा, हो सकता है कि कोई पुराने पार्टनर जो है ना उसको भी किसी प्रकार का कोई गेन हो जाए। हम ये सब चीज़ें देखो, अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को बताने की, इन सब चीज़ों पे टाइम खर्चा करने की, मगर यदि अभी आप लोग देखोगे ना आगे बहुत मदद करेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, अच्छे से बिल्ड होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यानी कि एडमिट, कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी वजह से सिर्फ वही पार्टनर नहीं गेन करता, हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर आए, हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर ना सेक्रीफाइस करे ना गेन करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
गेन भी कर सकता है, सेक्रीफाइस भी कर सकता है, उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ सकता है, तीनों में से कोई भी केस हो सकते हैं। देखो ये सब चीजें आपके जो है कोचिंग वगैरह में बताई नहीं जाती होंगी, हम दावे के साथ कह सकते हैं। इन सब चीजों पे इतना टाइम कोई भी कोचिंग खर्चा नहीं करती, ठीक है, वो बस पढ़ाओ, रेलो, खत्म करो। हम आपको कोई चीज अच्छे से समझा रहे हैं, समय दे रहे हैं उस पर, तो इसको बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई, आप लोग को ये चीज पता चल गई होगी कि अब सारे अकाउंट्स वगैरह सीखने से पहले हमें दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एक तो न्यू PSR, नंबर टू गेनिंग रेशियो, नंबर थ्री सेक्रीफाइजिंग रेशियो। गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो हम तो पहले बता चुके हैं, याद करो ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR फॉर्मूला बताया है हमने, ठीक है। परेशान मत होना, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम लोग सीखेंगे सब चीज। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपके अराउंड 80 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, इसको बस सॉल्व कर लेना, कोई भी दूसरे बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 80 प्लस मार्क्स की हम अश्योरेंस देते हैं, अगर जितना हम पढ़ा रहे उतना आप लोग पढ़े हो तो, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा हम लोग न्यू PSR, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ये सब कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमें नहीं लगता इंट्रोडक्शन वगैरह की अब कोई किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग उसको अब सीखते हैं कैलकुलेट करना। अच्छा जी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमने बताई वो चीज़ें आपको अभी तक अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने बताया अभी तक आपको चैप्टर में सारी बेसिक चीज़ें हमने क्लियर कर दी। हमने ये बताया कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ें, शुरू तो हो चुका है चैप्टर शुरू हो चुका है, मगर इसके अकाउंट वगैरह बनाने से पहले इनमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, क्या क्या तामझाम है, वो सब जानने से पहले हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा गेनिंग, तीसरा सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है। ये तीनों चीज़ जब हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तब हम चलेंगे आगे की बात करने। ये तो बिल्कुल फालतू की चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बात दिमाग में रखना आप लोग, मगर ये वो फालतू की चीज़ है जो एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, मगर इसको जाने बगैर हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये तो सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो पहला दूसरा चैप्टर आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो उसमें तो अच्छे से आ गया होगा, उसमें हमने बता दिया है कि ओल्ड माइनस न्यू फार्मूला रहता है, कैसे क्या करना रहता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो इसमें बहुत ही गौर से देखेंगे, इसमें जब हम पढ़ाएंगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, मगर फिलहाल तो हम चलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने। आखिर नया PSR कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी तरफ हम चलते हैं सबसे पहले। एक चीज़ तो आप लोग को पता होगी कि जब भी कोई एडमिशन होता है तो जो पार्टनर आ रहा है उसको कुछ हिस्सा देना पड़ता है, वो हिस्सा मतलब कुछ शेयर देना पड़ता है प्रॉफिट का। वो जो शेयर उसको दिया जा रहा है वो कौन देगा? सर जो पुराने पार्टनर हैं, मान लेते हैं ए बी सर, वो दोनों मिल करके देंगे उसको शेयर, यही सब तो होता है ना। हाँ सर जी यही सब होता है। तो देखो हमें तो पता है कैसे क्या होता है, मगर आखिर उसको जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सब सीखना पड़ेगा ना। उन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम क्वेश्चंस वगैरह चलिए लगाते हैं, ठीक। नया PSR कैसे कैलकुलेट होता है हम वो अब सीखेंगे, चलिए देखते हैं। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है ए बी सी पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, उनका PSR था 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। उनका क्या PSR था? 3/6, 2/6, 1/6। अब जरा देखो, कभी भी PSR ऐसे दिया रहे ना तो सबसे पहले आप ये नीचे नजर दौड़ाओ, क्या नीचे के तीनों बराबर हैं? अगर हाँ तीनों बराबर हैं तो इसको अब देखने की कोई जरूरत नहीं है। 3:2:1 हमारा PSR है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक। यदि PSR आप कुछ इस प्रकार दिया होता, यदि PSR कुछ आपको इस प्रकार दिया होता, अब जरा देखना, यदि इस प्रकार से दिया होगा तो हम क्या करेंगे? सर किस प्रकार से, किस प्रकार से? गौर करना, 1/2, 1/3, 1/6। यदि इस प्रकार से आपका PSR दिया हो तब आप क्या करोगे? देखो यहां डिनोमिनेटर तीनों अलग अलग है, डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो सीधा हम कह सकते थे सर 1:1:1 PSR है, मगर यहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है,
तो इस केस में अब क्या करना पड़ेगा सर, इस केस में अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको अच्छी से मैथ आती हो, समझना बात को मेरे, जो मैथ का ज्ञाता है वही इसको बता पाएगा, ऐसा नहीं है आप भी बता ले जाओगे। एक छोटी सी ट्रिक हम बताते हैं ना, उसको जरा आप ध्यान में रखना, इसमें कोई कहीं कोई रूल्स रेगुलेशन मैथ का फॉर्मूला नहीं लगाना है, छोटी सी ट्रिक है याद रखना, हर जगह काम आएगी। इसमें से पहले सब हमें डिनोमिनेटर को तीनों को बराबर करना है, तो जरा गौर करना कैसे बराबर होंगे। सबसे पहले इस बड़े वाले को पकड़ो, छः है ना, यानी तीन को छः बनाना है, इसको इसके बराबर लाना है, ये जो थ्री दिख रहा है इसको सिक्स के बराबर लाना है। तो सर थ्री में ऐसा क्या कर दें कि ये थ्री सिक्स बन जाए, सर टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री टू ज़ा सिक्स, यानी कि अगर नीचे वाले को दो से मल्टीप्लाई करे हैं तो ऊपर वाले को भी दो से मल्टीप्लाई कर दो, समझना बात को, बात को समझना मेरी। नीचे वाले को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला सिक्स बन जाएगा, आखिर इसके बराबर लाना है ना, ये जो सिक्स है नीचे वाले को सिक्स बनाना है, तो इस सिक्स के बराबर लाना है, तो थ्री सिक्स कैसे बनेगा सर, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री हमारा सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नीचे वाले को दो से मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर को भी दो से मल्टीप्लाई कर देना। सर इसी तरह दो को अगर छः बनाना है तो क्या करें, सर थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर नीचे वाले को थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले को भी थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा इसको सॉल्व करो, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, यानी कि पहला वाला थ्री बाय सिक्स लिखा जाएगा, दूसरे वाले को देखो टू वन ज़ा टू, थ्री टू ज़ा सिक्स, टू बाय सिक्स ये हो जाएगा, तीसरे वाले को देखो सर ये सिक्स तो है ही है ऑलरेडी, तो वन बाय सिक्स इसको लिख दो। अब देखो हमारा पी एस आर क्या हो गया सर, थ्री इज टू टू इज टू वन हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर पी एस आर में कुछ अगर लफड़ा दे दिया तो उसको आप लोग सही कर लोगे। सबसे पहली चीज, अगर कहीं पर भी पी एस आर लिखा है याद रखना, कहीं पर भी पी एस आर लिखा है और नीचे का डिनोमिनेटर अलग है तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर को आप सेम करके पी एस आर सही कर दो, सबसे पहला काम ये करना। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब जरा आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। कहता है ए बी सी पार्टनर थे, थ्री इज टू टू इज टू वन इनका पी एस आर था, इन्होंने डी को एडमिट किया और बोला कि वन बाय सिक्स शेयर देंगे, मतलब फॉर्म में जितना भी शेयर है उसमें से एक बाई छठा हिस्सा तेरा हो जाएगा बेटा, अच्छी बात है। कहता है न्यू पी एस आर कैलकुलेट करिए। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, फॉर्म में से वन बाई सिक्स हिस्सा अगर हम मिस्टर डी को दे दें तो कितना हिस्सा इन तीनों के लिए बचेगा। अगर आपके पास छः लड्डू है, छः में से एक लड्डू मिस्टर डी खा गए तो कितना लड्डू बचा, सर पांच लड्डू बचा बाकी सबके लिए। तो जरा देखना ये मैथमेटिक वे में लिखा है, लेट द प्रॉफिट बी वन शेयर गिवन टू डी वन बाय सिक्स रिमेनिंग शेयर, कुल मिला के देखना सरल भाषा में, छः में से एक लड्डू खा गए मिस्टर डी तो बचा कितना लड्डू, सर छः में से पाँच लड्डू बचा बाकी सबके लिए। यही तो बात हुई ना, आपके पास छः लड्डू थे टोटल, ये खुद बोलता है कि इन द फॉर्म एज न्यू पार्टनर विथ वन बाय सिक्स, ये कहते हैं मिस्टर डी। मिस्टर डी शर्त रखते हैं कि हम तभी फॉर्म में एडमिट होंगे जब पूरे फॉर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका एक बाई छठा हिस्सा हम ले लेंगे, यानी कि फॉर्म में जितने लड्डू होंगे उन लड्डुओं में से वन बाय सिक्स हम खाएंगे, यानी छः में से एक लड्डू हम खाएंगे, समझना बात को मेरे, ठीक, छः में से एक लड्डू हम खाएंगे तो बाकी बचा कितना, सर पांच लड्डू बचा, फाइव बाय सिक्स। कहीं कोई समस्या, हमें नहीं लगता कोई समस्या है। तो सर अब न्यू पी एस आर कैसे कैलकुलेट होगा, जरा देखना, मिस्टर ए का पहले हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम मिस्टर ए का कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है ना, जरा गौर करिएगा। छः में से एक लड्डू तो वो खा जा रहे थे मिस्टर डी, बचा पाँच बाई सिक्स, यानी पाँच लड्डू बचा, इसको फाइव बाई सिक्स लिखे हैं, ठीक है ना। इसको मैथमेटिक वे में भी समझा देते हैं, इसने लिखा है लेट द टोटल प्रॉफिट बी वन, यानी कि माना कि पूरे जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक के बराबर है, उसमें से वन बाई सिक्स मिस्टर डी ले ले रहे हैं तो बचा कितना, वन में से वन बाई सिक्स गया तो फाइव बाई सिक्स बचा। इसको आसान भाषा में हम समझा दिए कैसे, एक बाई सिक्स लड्डू मिस्टर डी खा रहे हैं तो बचा कितना लड्डू, फाइव बाय सिक्स लड्डू, ठीक है। छः में से एक लड्डू मिस्टर डी खा रहे हैं तो छः में से पाँच लड्डू बचा बाकी सबके लिए। अब जो छः में से पाँच लड्डू बचा वो क्या होगा,
सर ए बी सी में बट जाएगा, समझना बात को। जो छह में से पांच लड्डू बचा है वो क्या होगा, ए बी सी सर सब अपने में बांट लेंगे, तीनों जो ओल्ड पार्टनर है ना वो आपस में बांट लेंगे, यही तो करेंगे ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मान लो 20,000 का जो प्रॉफिट हो रहा था, मान लेते हैं 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, उसमें से जो है मिस्टर कोई पार्टनर आता है मिस्टर डी आई, कहते हैं इसमें से 5,000 हम लेंगे, तो बाकी का 15 क्या करें, बाकी का 15 सर जो पुराने पार्टनर है उनमें बांट दीजिए। तो वही काम तो हमने यहाँ भी किया, छः में से एक लड्डू यानी 1/6 शेयर मिस्टर डी ले ले रहे थे, बचा 5/6 शेयर है वो क्या करें सर, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। समझना बात को, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हाँ सर अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है सर, ये जो 5/6 हिस्सा बचा था वो क्या करें सर, तीनों पार्टनर जो थे ना उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके ओल्ड पीएसआर में। तो करते हैं जरा देखिएगा, 5/6 5/6 5/6, ये जो 5/6 हिस्सा बचा है, छः में से पाँच लड्डू जो बचे हैं वो मिस्टर ए बी सी में जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस रेशियो में, 3/6 2/6 1/6, देखना इनका जो पी एस आर है 3/6 2/6 1/6 में। ठीक है, यानी कि जो 5/6 बचा था उसमें से 3/6 हिस्सा, समझना बात को, जो हमारा 5/6 बचा था ना, बोल रहा था यहां कि 1/6 हिस्सा मिस्टर डी लेकर के चले गए, तो सर 5/6 हिस्सा बचा, समझना बात को मेरे, छह में से पांच लड्डू बचे। अब ये जो पांच लड्डू बचे हैं ये किस में बटेगा, ए बी सी में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, इनके ओल्ड पीएसआर में बटेगा। तो जरा देखना यहां पे, जो पांच में से छह, छह में से पांच लड्डू जो बचे थे, ध्यान देना, छह में से पांच लड्डू जो बचे थे वो मिस्टर ए ले जाएगा 3/6 के रेशियो में, जो छह में से पांच लड्डू बचे थे वो मिस्टर बी ले जाएंगे 2/6 के रेशियो में, जो छह में से पांच लड्डू बचे थे वो मिस्टर सी ले जाएंगे 1/6 रेशियो में। मतलब कि देखो, अभी कैलकुलेशन का भी बताएंगे हम, मतलब कि देखो ये जो छह में से पांच लड्डू बचे हैं वो तीनों में बट गया, किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। और मिस्टर डी को 1/6 मिल रहा था, वो तो उनका सीधा सीधा लिख दो, उनमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी, बहुत ही सरल सा था, बहुत ही आसान सा था। बोला गया था इसमें कि 1/6 शेयर फर्म में जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/6 शेयर मिस्टर डी लेकर के जाएंगे, मतलब कि सर जो बचेगा वो तीनों में बट जाएगा। अब तीनों आपस में बटा हुआ कैसे बांटेंगे, तो अपने ओल्ड पीएसआर में। तो आपको दिख रहा होगा यहां 5/6 बचा था, उसमें 5/6 5/6, इन 5/6 को ये तीनों किस रेशियो में बांटेंगे, 3/6 2/6 1/6, यानी 3:2:1 के रेशियो में इन्होंने जो बचा हुआ पांच लड्डू था उसको बांट लिया, और जो एक लड्डू था वो देखो मिस्टर डी लेकर के चले गए, हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं सर, आखिर कैलकुलेट कैसे होगा, इसका आप कैलकुलेशन देखिएगा आप लोग कैसे होगा। अब कैलकुलेट करने से पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो कहीं कुछ क्रॉस लिंक कट तो नहीं रहा है ना, जरा देखें, ये कट रहा है, नहीं सर ये कट रहा है, हाँ सर ये कट रहा है, जो मैथमेटिक पढ़ा होगा उसको पता होगा, नहीं पता है तो इसको सीख लेना, बस याद कर लेना कि ये क्रॉसली, इसको काट के हम चेक करेंगे पहले। देखो हम ज़्यादा टेक्निकल भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अगर करें तो ना समझ में आए बहुत से लोग को। तो अब इसको क्रॉस पहले काट करके देखो कहीं कुछ कट रहा है, 5/6 नहीं सर नहीं कटेगा, 3/6 हाँ सर कट जाएगा, 3 1 3 6 कट गया, 3 2 6, समझना बात को, कट गया ना, हाँ सर जी। अब क्या करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 6 2 12, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह मिस्टर बी का करो, देखो कटेगा, हाँ सर ये कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 6 3 18, मिस्टर सी का करो, कटेगा सर नहीं कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, यानी 5 1 5 6 6 36, और 1/6 तो इसका है ही है, यानी कि नया पीएसआर हमारा क्या हो गया, 5/12 5/18 5/36 1/6। अब कहीं से ये जेन्युइन लग रहा है पीएसआर, नहीं सर कहीं से जेन्युइन नहीं लग रहा, आपने बताया है कि डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर को हमें बराबर करना पड़ेगा,
ठीक है, जरा इसको गौर करिएगा और देखिएगा क्या ये PSR जो हमने कैलकुलेट कर रखा है ये सही है। नहीं सर, अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए सबका तब ये PSR सही हो जाएगा, ऐसे थोड़े ही होता है। तो मतलब कि ये सारे डिनोमिनेटर्स को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कैसे बराबर होगा सर? सबसे पहले ये बड़े वाले को पकड़िए आप 36, सबको सर 36 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, 12 से शुरू करते हैं। तो 12 को 36 बनाने के लिए सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। यानी कि ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आंसर, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 12 × 3 यानी कि 15/36। तो देखो पहला वाला क्या हो गया, 15/36। इसने एक साथ लिख दिया है, मगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, 15/36 करके भी लिख सकते हो। सर इसको भी ये 18 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्या हो जाएगा सर, 10/36 हो जाएगा, 10/36। ये 5/36 तो है ही है, तो इसको जस्ट कतस 5/36 लिख दो। इसको तो आप 36 में नहीं कन्वर्ट करोगे ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 को 36 में। तो सर 6 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 6 = 6, तो 6/36। हमारा नया PSR क्या बन गया, 15:10:5:6। क्या बन गया हमारा नया PSR, 15:10:5:6। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को आप लोग घर पे एक बार और लगाइएगा। अगले क्लास में हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक एक दो दो नंबर के, और ये करना जरूरी है। ठीक, देखो हार्डली इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, बस इसी टाइप के। जब आप जो है आगे के जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे ना, जब आप आगे के फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन दी रहेगी। नीचे बैलेंस शीट वगैरह की इंफॉर्मेशन, ऊपर इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन दे दी रहेगी। आपको न्यू PSR कैलकुलेट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, परेशान मत होना, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देख लेना पहले अच्छे से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लंबी क्लास हो गई थोड़ी। अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। CBSE 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके रखोगे। अगर यदि कुछ नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो जानते हो क्या करना है, आपको पता है। यदि कोई आपको कोई समस्या हो तो सीधा जो है ईमेल करिए हमें, कॉल घुमाइए, नंबर दिख रहा होगा आपको। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड बाय।